so guys here you can see one more video has been came out with the css and in today's css video i'm telling you about in css what are combinators what are combinators in css so yeah we are learning about that in today's video so please like this video share or subscribe to my channel and do not forget to all the notification bell also, remember, so you don't miss future latest videos so now i didn't take a long time so let me move on to the last now about what are combinators in css so let's move computer skin the last one Coding with laughing. So, guys, in today's CSS video, I am telling about the combinators. What are combinators in CSS? So, let's get started without wasting our time. Combinator is just something that explains the relationship between the selectors. A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors, we can include a com combinator. There are four different combinators in CSS with four combinators.

यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं अगर हम इसको कॉपी करें यहाँ पे हम सबसे पहले एस टी एम एल लिख देते हैं एस टी एम एल के अंदर बॉडी लिख देते हैं और यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करते हैं स्टाइल के अंदर हम ये वाले कोड पेश कर देते हैं अगर हमने ये लिखा और यहाँ पे अगर हम गए और इधर हमने लिखा डेप और डिप के अंदर अगर हमने यहाँ पे पी डिफाइन कर दिया उसके अंदर लिख दिए और यहाँ पे हमने लॉरि मिक्सर हम लिख देते हैं तो ऐसे और सेव किया कहाँ पे अपनी फाइल बनाई है मैंने अपनी डॉक्यूमेंट में फाइल बनाई हुई है वो मैं ओपन कर देता हूँ सॉरी ये मैंने ओपन कर दी तो अब ये मुझे इस टाइप का आउटपुट दे रहा है इस टाइप का आउटपुट इसलिए दे रहा है मुझे ये क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैंने येलो दिया हुआ है आप कुछ और भी कर सकते हो चायल कॉम्बिनेटर चायल कॉम्बिनेटर इसका ऑपरेटर कुछ तरीके का होता है जो चायल कॉम्बिनेटर है वो सिलेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स जो हमारे चिल्ड्रन जो जो दैट आर चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाई एलिमेंट जो फॉलोइंग गए एग्ज़ाम्पल है वो सिलेक्ट करती है सारे पी के एलिमेंट जो चिल्ड्रन होते हैं फर डिव एलिमेंट इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इधर आपको इस एग्जाम्पल को लगा देना हमने चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया है और अभी आपको कुछ तरीके का दे रहा है अगर हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ तरीके का और अगर मैं यहाँ पे इसको पेश करूँ सेव करूँ रन करूँ तो आपको एक तरीके का दे रहा है ये देख सकते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इसका ऑपरेटर प्लस होता है जो हमारा नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर वो यूज होता है सिलेक्ट करने के लिए एलिमेंट जो डायरेक्टली आफ्टर बाद में होते हैं अनदर स्पेसीफाई एलिमेंट के सिबलिंग एलिमेंट मस्ट है उनके बार मस्ट है वो होता है द पेरेंट एलिमेंट और एजिस्टेंट मतलब इमिडिएटली फॉलोइंग जो फॉलोइंग एग्जाम्पल है वो सिलेक्ट करती है द फर्स्ट पी एलिमेंट जो प्लेस होते हैं इमीडिएटली बाद में डिवेलिमेंट्स के इस एग्जाम्पल में हमने डिफ प्लस पी लिखा हुआ है आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो डि प्लस पी करके लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो येलो ही आएगा अब येलो नहीं आ रहा क्यों येलो नहीं आ रहा देखिए इसलिए आपका बैकग्राउंड येलो नहीं आया जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी फॉलोइंग एग्जाम्पल है वो सिलेक्ट करिए पहला पी एलिमेंट जो प्लेस कर रहा है इमीडिएटली बाद में डिव एलिमेंट्स के शु डेट वाई सबसिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इसका ऑपरेटर कुछ इस तरीके का होता है जो सब सुग सिबलिंग कॉम्बिनेटर है वो सिलेक्ट करता है सारे एलिमेंट जो हमारे नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ द स्पेसिफाई एलिमेंट जो हमारा फॉलोइंग एग्जाम्पल होती है वो सिलेक्ट करती है सारी के सारी सारी के सारे पी एलिमेंट्स जो डेट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स वो भी ऑफ अर डिव एलिमेंट्स के मतलब डिव एलिमेंट के जितने भी हमारे पी एलिमेंट है वो सारे सेलेक्ट कर देगी और उनका सबका बैकग्राउंड कलर येलो दे देगी तो इस तरीके से और ये आपको आउटपुट इसलिए नहीं दे रही जो तो हमारी फोन एग्जाम्पल सिलेक्ट करेगी सारे पी एलिमेंट जो डेट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स वो भी डिवेलिमेंट के बाद अगर हम यहाँ पे लिखते अगर हम यहाँ पे लिखते ना पी और उसके अंदर हम लॉरम डिफाइन करते सेव करते और तो उस तरीके का आ रहा है और अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते पी लॉरम एक्शम इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो और अब इसको इसने आपको येलो या, दे दिया बैकग्राउंड कलर क्यों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी फॉलोइंग फॉलोइंगजाम्पल वो सिलेक्ट करती है सारे पी एलिमेंट डेट आर नेक्स्ट शिवलिंग ऑफ डिव एलमेंट मतलब जो डिव एलिमेंट के बाद होंगे मतलब जब आपका डिव एलिमेंट खत्म हो रहा होगा ना उसके बाद जितने भी पी एलिमेंट्स है उसके बैकग्राउंड कलर ये येलो देगा अगर मैं इधर और भी लगा दूँ ना तो उन सबके बैकग्राउंड कलर ये येलो देगा देखें लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट मतलब यहाँ पे मैंने डिव एलिमेंट स्टार्ट किया अपना लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पी टैग लगा दूँ और यहाँ पे मैंने अपना लॉरी मिक्सम दिया तो इसको भी ये बैकग्राउंड कलर येलो नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जब आपका डेवेलिमेंट जहाँ पे एंड हो है उसके नीचे से जब आपको जितने भी पी पैराग्राफ डिफाइन करोगे वो सारे येलो कलर में होंगे तो ऐसे तो इस तरीके का इस ऑपरेटर का काम है तो ये हमने आज की वीडियो में जाना और इस ऑपरेटर का क्या काम है ये इमिडिएटली आफ्टर द डेवेलिमेंट मतलब अगर हम इसको पेस करें सेव करें रन करें तो अब हमें ये यही वाला दे रहा है क्यों अगर हम इन सबको एरेस कर देते हैं इधर से हमने इसको एरेस कर देते हैं वेयर 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 एरेस किया सेव किया रन तो देखें ये जो हमारा वो वाला जो हमारा ये वाला था सब सिक्वेंट कॉम्बिनेटर ये जब हमारा डेवेलपमेंट आखिर में जब एंड होता है तो उसके बाद ये बहुत से पी एराग्राफ आप बहुत सारे बहुत सारे कंटेन कर सकता है लेकिन डेवेलमेंट के बाद जो हमारा ये सिर्फ कंटेन कर सकता है एक ये सिर्फ कंटेन कर सकता है एक पैराग्राफ जिसका कलर येलो देगा बाकी अगर आप और लगा दो तो डिवेलपमेंट के बाद तो उसको ये कलर नहीं देगा क्यों जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ कंटेन करता है एक सो so, इसलिए तो ये आपको इस तरीके से देता है तो आज की वीडियो में नहीं जानेंगे नहीं सीएस के अंदर कॉम्बिनेटर असल में होते तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद वीडियो को प्लीज लाइक करें दोस्तों फैमिली के वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बेलगॉल बेगर नमन भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो से उनको आप मिस नहीं कर पाओगे तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आज के लिए इतना ही गुड 百。Bye.